एस्टिमेशन पैटर्न्स ऑफ फाइव, फाइव का स्केयर। पहले हमने इसकी स्केयर को नहीं देखना, हमने देखना है कि हमने समेशन किसका बनाना है, समेशन पैटर्न हमने फाइव का बनाना है, मतलब फाइव का स्केयर। अभी स्केयर को हम भूल जाएंगे, तो वन से लेकर सेवन फाइव तक जाएंगे, क्योंकि फाइव का है ना, जिसका समेशन पैटर्न बनाना होता है वहाँ तक जाते हैं काउंटिंग में। वन प्लस टू प्लस, दरमियान में प्लस भी लगाएंगे, वन प्लस टू, फिर प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, इस तरह फाइव तक गए। फिर जिस तरह वन से फाइव तक आए थे उसी तरह अब वापस जाना है फाइव से वन तक। तो प्लस फोर, प्लस थ्री, प्लस टू, प्लस वन, ये है समेशन पैटर्न्स। इसे हम समेशन पैटर्न्स कहते हैं। और इसका आंस भी, मतलब जिस तरह हम फाइव को मल्टीप्लाई बाय फाइव करते हैं, जिस तरह हम परफेक्ट स्केयर करते थे, परफेक्ट स्केयर में फाइव इस तरह स्केयर की फॉर्म में लिखा होता था, तो हम फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव लिखते थे, उसका आंसर आता था 25। समेशन पैटर्न भी यही है कि इसका, इस सारे पैटर्न को प्लस करने से, मतलब सारे डिजिट को आपस में प्लस करें तो यही आंसर आता है स्केयर के बराबर ही। तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया था।